अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके घर से जो हर खबर सबसे पहले पता चले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मेरे बेल आइकन को जरूर इनेबल कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम आपके साथ जो बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है और उसके बारे में हम आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज जो है वो पाकिस्तान का जो है T20 वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान का पहला मैच है उसका जो है वो स्क्वाड आ चुका है, 12 रुकनी स्क्वाड आ चुका है जिसमें से 11 खिलाड़ी जो है वो कंफर्म कल खेलेंगे और एक प्लेयर जो है वो सिर्फ बैठेगा। और दूसरे नंबर पर जो हम बात करने जा रहे हैं आज का जो पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच खेला गया है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बारे में आपसे कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड आया है इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का कल मैच है 24 अक्टूबर को जो है वो खेला जाएगा, उसमें जो 12 रुकनी स्क्वाड है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान टीम के जो 12 रुकनी स्क्वाड में पहले नंबर पर जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम हैं और दूसरे नंबर पर हैं विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान जो कि ओपनिंग करेंगे, ये दोनों बाबर आजम और रिजवान जो है ओपनिंग करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो है फखर जमान और चौथे नंबर पर हैं हैदर अली और पाँचवें नंबर पर हैं मोहम्मद हफीज़ ऑलराउंडर और छठे नंबर पर हैं शुएब मलिक जो के वो भी ऑलराउंडर हैं और वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किए गए हैं। और सातवें नंबर पर हैं जी आसिफ अली और आठवें नंबर पर हैं शादाब खान और नौवें नंबर पर हैं इमाद वसीम और दसवें नंबर पर हैं हसन अली और ग्यारहवें नंबर पर हैं हारिस रऊफ और बारहवें नंबर पर जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी। तो ये हो गया जी पाकिस्तान का स्क्वाड 12 रुकनी जो कि पाकिस्तान ने इनमें से जो 11 कंफर्म प्लेयर हैं वो कल जो है इंडिया के खिलाफ मैच में खेलेंगे। और जो अगली हम आपके साथ बड़ी खबर जो शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया का आज पहला मैच खेला गया, उनके दरमियान जो पहला मैच खेला गया वो उसके बारे में तफसील शेयर करेंगे। और आपको बताते चले कि जो साउथ अफ्रीका ने जो है वो पहले बैटिंग का फैसला किया, बैटिंग उन्होंने शुरू की तो उनकी टीम जो है वो शुरू से ही मुश्किल का शिकार थी और उनकी टीम ने एक अच्छा उनकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा टारगेट ना दे सकी। 20 ओवरों में जो है वो उनकी जो टीम है उसने 119 का टारगेट दिया और उनके 9 खिलाड़ी आउट हो गए और उसके जवाब में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग जब शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया के भी ओपनर जैसे कि कप्तान एरन फिंच और जो है डेविड वार्नर वो भी इतना ज़्यादा रन ना बना सके, लेकिन स्मिथ ने जो है वो आके एंड दरमियान में मिडिल पे आके जो है वो अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से जो है स्मिथ ने और मैथवेड और मार्कस स्टोनिस ने जो है वो अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया और उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया ने जो 5 विकेटों से मैच जीत लिया। और आज के जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे जोश हेजलवुड, उन्होंने जो है 2 विकेटें ली और उनको जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों अगर आप जो है T20 वर्ल्ड कप की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर इनेबल कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।